हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम फिर एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हैं। ये हम कोई फ्रूट चाट नहीं बनाएंगे, ये हम इसका फ्रूट्स का केक बनाएंगे विद मिल्क। और बहुत अच्छा होता है और बहुत इंस्टेंट केक है, ये बहुत जल्दी बन जाता है। कोई इसकी इतनी क्वांटिटी नहीं है, कोई भी आप फ्रूट्स ले लें, लेकिन फ्रूट्स सॉफ्ट होने चाहिए। ये हमने कुछ फ्रूट्स तो हमने बारीक इसको कट कर लिया है, और ये अंगूर थे 10-12, 10 अंगूर काले थे, 10 अंगूर हरे थे, 10 स्ट्रॉबेरी थी, और 3 हमारी कीवी थी। राउंड कट कर लिया है, हाफ सेब था, एप्पल इसको भी हमने बारीक कट कर लिया है, एक केला है। हमारे पास जेलेटिन पाउडर है, 1 टीस्पून है ये, और 3-4 टेबल स्पून पानी डालकर इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे हम। 400 ml हमने दूध ले लिया है, जेलेटिन को हमने डिसॉल्व करके दूध में डाल दिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। बॉयल आने लगा है, जैसे ही बॉयल आएगा कंडेंस्ड मिल्क डाल देंगे, 5-6 टेबल स्पून। अगर मीठा ज़्यादा हमें पसंद है तो हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क और बढ़ा लेंगे। फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, ज़्यादा नहीं इसे पकाएंगे, बस हमने 1 मिनट कुक किया है कंडेंस्ड मिल्क डालकर। कोई भी ऐसा कंटेनर ले लेंगे हम, रेक्टेंगल, और उस तरह से इसमें हमने फ्रूट्स अरेंज कर दिए हैं, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जैसे भी डिज़ाइन चाहें। मिल्क को हमने ठंडा कर लिया है, और इसमें हम ये 3 टेबल स्पून दही डाल देंगे। दही डालकर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। गर्म मिल्क में हम दही मिक्स नहीं करेंगे, वो फट जाएगी। ठंडा होने पर मिक्स करेंगे और जल्दी जल्दी चलाते रहेंगे। जेलेटिन बहुत जल्दी जमता है, इस प्रोसेस को बहुत जल्दी करना होता है। सारे जो हमने बारीक फ्रूट्स काटे थे वो भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। गाढ़ा बहुत जल्दी होने लगता है जेलेटिन, इसलिए जल्दी जल्दी हमें चलाना पड़ेगा। इसमें कंटेनर में अरेंज कर दिए हैं, और ये हम इसी के ऊपर डाल देंगे, इवनली स्प्रेड कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जम जाएगा। जब जमेगा तब उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हमने फ्रिज से निकाल लिया है, इसे थोड़ा सा टैप करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे उल्टी करके, और इसे निकाल लें। इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सॉफ्ट केक बना है। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।